क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पे। अच्छा जी, क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन देख रहे होंगे ना आपके, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास हैं। अच्छा जी, इससे पहले मैं बेसिक लेआउट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए ये सवाल डिस्कस, क्वेश्चन में 16.3 पढ़ेंगे, जरा रीड द क्वेश्चन 16.3, इसको रीड आउट करें। को रीड आउट करेंगे बेटा। क्वेश्चन को रीड आउट करें, देन पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लेआउट डिस्कस करूंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाएंगे। यार सुबह 8 बजे लगाऊं, फिर कनेक्ट करने में टाइम लग गया। बजटिंग की लेटेस्ट सवाल, ठीक है, ये भी आपके एंड पे करवाऊंगा बेटा। अभी ये सिलेबस हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह, इस वीक में सिलेबस खत्म कर देंगे, या मंडे को इंशाल्लाह, मंडे तक मैं सिलेबस प्लान किया है, तो मंडे तक सिलेबस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, मंडे ट्यूसडे तक, मंडे ट्यूसडे सिलेबस खत्म करके तो फिर मैं आपको एक दो दिन में ये चीज़ें भी करवा दूंगा।
अच्छा सबसे पहले मैं आपसे क्या करता हूँ, एक बेसिक सा लेआउट डिस्कस करता हूँ जरा, एनपीवी का एक बेसिक लेआउट क्या है, लेआउट थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर हम इस पे चलते हैं जरा, ठीक है। एक बेसिक लेआउट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक बेसिक सा लेआउट। बिस्मिल्लाह, देखें याद रहा, बिस्मिल्लाह। एमपीवी के जब एग्जाम में सवाल आएगा मैं 10-12 नंबर का, हाउ वी विल सॉल्व, जरा गौर से बेटा, ये एक तो सवाल पक्का है और ये 10-12-15 नंबर आपके पक्के होने चाहिए, ये पिन नंबर नहीं जाने चाहिए आप, जरा गौर से इसको आपने देखा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। अच्छा सबसे पहले हम जब भी एनपीवी के सवाल को स्टार्ट करेंगे हम यू मेंशन करेंगे ईयर्स, वैसे दो डिफरेंट फॉर्मेट, आपने ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें, ईयर 0, 1, 2, 3 एंड लाइक 4, 4 साल के प्रोजेक्ट जो आपने इसमें से मेंशन कर दिया ईयर्स। सवाल के स्टार्ट में बेशक आप मेंशन कर देंगे कैश फ्लोज आप किसमें ले रहे हैं, थाउजेंड में ले रहे हैं, मिलियंस में ले रहे हैं, तो ऑल कैश फ्लोज, लाइक मैं इसमें से लिख रहा हूँ ऑल कैश फ्लोज आर इन थाउजेंड्स, ये मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट में लिख दिया है कि सारे कैश फ्लो किसमें हैं, थाउजेंड्स में हैं। अब मुझे एक ही दफा मेंशन कर दिया मैंने ये मिलियंस में है, ये सब की चीज ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4 ये सबसे पहले साल लिखूंगा। सबसे पहले आप एमपीपी में क्या होता है, प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी हमेशा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट होती हैं, मशीनरी वगैरह में, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी में, ये जीरो में हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 चले करने, 50,000 की मैंने मशीनरी ली है तो 50,000 मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जीरो में मेरे पास 50,000 आ जाएगा, ठीक हो गया, यानी ये जीरो में मैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट शो करवा दूंगा। 4 साल के बाद मुझे इनफ्लो कितना आ रहा होगा, यानी 4 साल मैं मशीन को इस्तेमाल करूंगा, 4 साल की मशीन मेरे बिजनेस में इस्तेमाल होगी और आफ्टर 4 ईयर्स मैं इसको स्क्रैप के तौर पर सेल कराऊंगा, तो ये 4 साल के बाद स्क्रैप के तौर पे कितने की सेल हो रही होगी, स्क्रैप इसकी स्क्रैप वैल्यू सपोज करें 10,000, तो 50,000 क्योंकि ये जीरो में मैं पे करूंगा, दिस वी विल मेक इन्वेस्टमेंट दैट विल बी द कैश आउटफ्लो, सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ये 50,000 में ये जो ये जीरो में शो कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं नेगेटिव शो करूंगा, क्यों, कि ये जीरो में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पे करते हैं, यू हैव टू पे, तो ये क्योंकि आप पे कर रहे होते हैं दैट्स ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जीरो में आप इसके इन्वेस्टमेंट शो करेंगे, नेगेटिव कैश आउटफ्लो आएगा। 4 साल मशीनरी आप क्या करेंगे, मशीन को आप इस्तेमाल करेंगे, 4 साल के बाद मशीनरी को स्क्रैप के तौर पे सेल कर देंगे, तो आपके पास स्क्रैप से एक पैसे रिसीव हो रहे होंगे, दैट विल बी द कैश इनफ्लो, उसे हम कैश इनफ्लो ट्रीट कर रहे होंगे, यानी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी आपने परचेज किया, ये जीरो में आपने परचेज किया तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, कैश आउटफ्लो होगा। 4 साल मशीनरी को आपने इस्तेमाल किया, 4 साल मशीनरी को इस्तेमाल करके आपने क्या किया, उसको स्क्रैप आउट कर दिया, तो 4 साल के बाद उसको स्क्रैप रिसीव हो रहा होगा, तो कितना स्क्रैप रिसीव हो रहा होगा, 10,000 का, तो 10,000 आपके पास क्या आ गया, कैश इनफ्लो आ रहा होगा, डन। अच्छा नंबर 2 वर्किंग कैपिटल, ये बिजनेस के स्टार्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा इसमें एक और बात बताऊंगा, अभी मैं इन्फ्लेशन की बात भी करूंगा। वर्किंग कैपिटल बिजनेस की वर्किंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, नॉर्मली स्टार्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता था, 20,000 आपने वर्किंग में भी इन्वेस्ट किया, बिजनेस के स्टार्ट में वर्किंग में इन्वेस्ट किया, 4 साल आपने पैसे इस्तेमाल किया, 4 साल के बाद ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो वर्किंग में जितनी भी मनी है वो सारी की सारी मनी आपको क्या होगी, रिसीव हो जाएगी, तो वर्किंग में आपके पास जितनी भी मनी है वो सारी की सारी मनी आपको रिसीव हो जाएगी, तो आपने 20,000 इन्वेस्ट किया जीरो में, लास्ट ईयर में जाके वो 20,000 क्या हो जाएगा आपके पास, कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो ये जीरो में हम शो करेंगे वर्किंग कैपिटल, हमने इन्वेस्टमेंट की है, वो हमने पे किया है, 4 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 4 साल के बाद जब प्रोजेक्ट एंड हुआ तो वर्किंग में जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो सारी मनी हमें क्या हुई है, रिकवर होगी, तो वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड, तो 4 साल के बाद वो सारी मनी क्या हो जाएगी, हमें रिकवर हो रही होगी, डन। अच्छा जी हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की है, हम मशीनरी से प्रोडक्ट बनाएंगे, मशीनरी क्यों, हम बिजनेस से जब हमने इन्वेस्ट की मशीन क्यों बाय की, प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करेंगे तो हमारे पे सेल आ रही होगी, तो वी विल टेक द सेल्स,
अब सेल ले रहे होंगे कि मैंने 4 साल जो इसी मशीनरी से प्रोडक्ट बनाई वो मार्केट में सेल की, तो सेल में यहाँ से माइनस करूंगा। सपोज वो सेल कितनी है, 30,000 की, हम यहीं से माइनस करेंगे 40,000, 10,000 लाइक दिस सेल आ जाएगा। यहाँ से माइनस कर लेंगे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इसकी कितनी थी, 5 थी, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी, इसकी भी 2 थी। यहाँ से माइनस कर लूंगा लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका, 10 आ जाएगा, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी लाइक। इसी तरह इसके वेरिएबल ओवरहेड्स या जितनी भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल फिक्स ओवरहेड्स कह लें आप, वो अगर आ गए तो वो भी यहाँ से लाइक 5 में माइनस कर दूंगा, यहाँ सपोज 2 माइनस कर दूंगा, यहाँ सपोज 1 माइनस कर दूंगा, यहाँ से भी 1 माइनस कर दूंगा लाइक दिस। तो ये क्या है, ये मटेरियल कॉस्ट में पे कराऊंगा, ये कैश आउटफ्लो होगा, लेबर कॉस्ट पे कराऊंगा, वेरिएबल ओवरहेड्स हम पे कर रहे होंगे, तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे, ये कैश आउटफ्लो होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा भी जो जो आइटम्स आएंगे जो आप समझते हैं कि हम पे कर रहे हैं, उसको यहाँ से हम माइनस कर रहे होंगे, इन सबको हम यहाँ से माइनस कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देन वी विल रिसीव, यही थोड़ी बात कर दूंगा अभी, मैं बेसिक लेआउट बना रहा हूँ जरा। ठीक हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा जी, अब ये एक तरह से हमारे पास सेल में से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारी मैंने कॉस्ट माइनस की, एक तरह से मेरे पास प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो अगर टैक्स भी सवाल में दिया हुआ तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, निकालें जरा प्रॉफिट। हमने ये सारी सेल में से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट माइनस की है, एक चीज बेटा हमने डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं की। तो डेप्रिसिएशन के 2 ट्रीटमेंट है, या तो मैं डेप्रिसिएशन को यहां से माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट में टैक्स पे कर दूं और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दूं, या डेप्रिसिएशन को मैं अलग से रख के उस पर जो टैक्स सेविंग होती है वो अलग से वर्किंग भी कर सकता हूं। तो अभी बहरहाल मैं जब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आएगी तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा कि कैसे इसको करना है। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ सेल में से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आपने माइनस कर दी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, अभी जरा मुझे माइनस कर, 30 में से माइनस करें क्या आता है, ये 10 आ जाएगा, ये क्या आ रहा है, 30 आ रहा बेटा, ये क्या आ रहा है, 5 आ रहेगा, ये क्या आएगा, 6 आ रहेगा लाइक दिस। वैल्यूज कुछ इस तरह से मेरे पास आ रही होंगी, दिस इज प्रॉफिट। गवर्नमेंट का टैक्स कितना, टैक्स आपका है 30%, चलो 30% टैक्स है, टैक्स पे कर देना, और टैक्स भी उससे कहा जा रहा है या तो इन द सेम ईयर पे होता है, ईयर 1 के टैक्स ईयर 1 में पे होता है, ईयर 2 का टैक्स ईयर 2 में, सेम ईयर है तो सेम माइनस कर देंगे। अगर सेम ईयर में नहीं, डिफरेंट है, लाइक वो कहता है टैक्स विल बी पेड ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल की क्यों बात की जा रही है, फिर हम अक्रूवल बेसिस पे इसको यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक होगी बात, अगर सेम है तो सेम कर देंगे, अदरवाइज अक्रूवल की बात अगर वो करता है तो हम अक्रूवल बेसिस पर टैक्स को यहाँ से माइनस कर रहे होंगे। तो टैक्स आपसे कहा जा रहा है कितना है, 20% टैक्स करने चले, 20% टैक्स इन द सेम ईयर माइनस करें, अल्लाह नहीं, 20% टैक्स पे करें, 10 का 20% क्या आएगा, 2, इसका 10% 3, 20% नहीं यार, 6, एक मिनट यार, दिस इज 6, इसका 20% 1, इसका 20% 1.2, तो ये टैक्स हमने यहां से माइनस कर देने। ठीक हो गया ना आप, यानी हमें प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट में से हमने क्या किया है, टैक्स हमने क्या किया, यहां से हमने पे कर दिया आप। ठीक होगी बात, टैक्स पे कर दिया है, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेट कैश ले लेंगे। अच्छा, नेट कैश फ्लोज कैसे लेंगे, यहां जरा गौर से, ये मतलब जो सारे कैश फ्लोज हैं बेटा, ये सारे कैश फ्लोज ये इस एक वर्किंग के अंदर हैं, दिस इज, ये इस एक वर्किंग के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक वर्किंग ले लेंगे यहां पे और फिर नेट ऑफ कर लेंगे यहां पे, यहां मैं कह रहा हूं नेट ऑफ, नेट कैश फ्लोज दे रहा हूं, नेट कैश फ्लोज दे रहा हूं। तो देखिए जरा, ये जीरो में कितने कैश फ्लो है, ये जीरो में एक मेरे पास 50,000 का है, एक 20 का है, 50,000 और कोई नहीं है, 70, ठीक है, तो ये जीरो में मैं 70 आउटफ्लो शो कर दूंगा, दिस इज 70,000 मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा।
ईयर वन में देखें जरा, ईयर वन में क्या क्या है? कुछ भी नहीं है ईयर वन में, ये 30-50 ये सारा 10 में आ गया, 10-2 तो ये 8 आ गया, ईयर टू में मेरे पास 8 आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 8 कैश इनफ्लो। ईयर थ्री में देखें जरा, ईयर थ्री में भी ऐसे ही है, 30-6 किया तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आ जाएगा, दिस इज 4 आ जाएगा। ये हमारे पास देखें, हाँ जी बेटा, ईयर फोर में देखिएगा जरा, ईयर फोर में हमारे पास 6 में से माइनस किया 1.2, तो मेरे पास 4.8 आ जाएगा। तो मेरे पास जब 4.8 आएगा उसमें मैं ऊपर से जो मेरे पास 20 भी है, 10 भी, वो ऐड कर लूंगा, तो 10, 20, 30 हो गया। 30 में मैंने ये 4.8 ऐड किया, दैट इज 34.8, तो ये मेरे पास क्या होगा, 34.8, लाइक दिस, दैट इज द कैश। अल्लाह अकबर। हाँ जी, ये आगे हमारे पास जैसे बोलते हैं नेट कैश फ्लोस, ये नेट कैश फ्लोस हमने दे दी। अब यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर दिया होगा सवाल में, सपोज 10% दिया होगा, ये दिया होगा आपको हमेशा एग्जाम में, तो ये 10% से फैक्टर देखें यहाँ टेबल से जाके, 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683, इसको मल्टीप्लाई करें जरा, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस आ जाएंगे, डिस्काउंट कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 8 को मल्टीप्लाई करें 0.909 से, तो 7 पॉइंट क्या आएगा, 7.272 करें क्या आता है, हरिओम। हाँ जी बेटा, सब लोग एंगेज हो, क्या आ रहा है, को मल्टीप्लाई करें 0.826 के साथ, देन मल्टीप्लाई करें 4 को 0.751 के साथ, 3.004, देन 34.8 को मल्टीप्लाई करें 0.683 के साथ, नेट ऑफ कर लेंगे आपके पास, एनपीवी आ जाएगी, यहाँ फिलहाल नेगेटिव एनपीवी आ रही होगी आपके पास, नेट ऑफ करेंगे हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। कुछ नहीं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं इन्फ्लेशन को जरा ले लूँ जरा, ठीक हो गया ये कॉन्सेप्ट, इसको देख लें, सवाल में कुछ चीज पूछने बेसिक लेआउट यही है, कुछ चीज पूछने हम ये भी कर सकते थे कि सेल को मैंने मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड सारे माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेता, वर्किंग करके ले आता, वो लाके यहाँ पुट कर, वो भी कर सकता था आराम से, इसको देख लें जरा। मैंने अब इन्फ्लेशन डिस्कस करनी है आपके साथ, इन्फ्लेशन
हाँ जी डन, बेसिक लेआउट समझ आ गई। अच्छा जी, अब इन्फ्लेशन की जरा डिस्कशन कर लेंगे। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े से इसी सवाल में देखिए, जैसे ये सेल दी हुई आपको, अब ऐसा भी हो सकता था मैं सेल को क्या करता, वर्किंग में जाके करता, सेल की इन्फ्लेशन वगैरह है, मटेरियल कॉस्ट को मैं वर्किंग टू में, लेबर कॉस्ट को वर्किंग थ्री में, ओवरहेड्स को वर्किंग फोर में, लाइक इस तरह से वर्किंग में करके लाते हैं इसको, ठीक। अब वर्किंग में कैसे करके लाते हैं इस पर मैं बात करने लगा, नहीं सेल्स की मैं वर्किंग वन सेल्स में करता हूँ, सेल कैसे फाइंड करते हैं, हमें सवाल में डिटेल दी होती, हम इसको अप्लाई करते हैं, ईयर्स ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है। सवाल में वो कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है आपकी हर साल 4% इंक्रीज करेगी, नहीं सेलिंग प्राइस जो है आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस दी हुई सवाल में, चलो मैं पहले इंक्रीज की बात करूँ, वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगी आपकी कितनी 4% पर एनम, सेलिंग प्राइस आपकी इंक्रीज करेगी कितनी 4% पर एनम, इसे बोलते हैं जनरल इन्फ्लेशन। एक मिनट जरा, ये है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, ये सेलिंग प्राइस की अपनी इन्फ्लेशन, यानी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगी 4%, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज करेगी 3%, लेबर कॉस्ट इंक्रीज करेगी 2%, ओवरहेड इंक्रीज करेंगे 7%। तो ये क्या है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग इन्फ्लेशन अगर दी हुई है, तो हर एक अपनी अलग अलग अगर इन्फ्लेशन दी हुई, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ये जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, इनके अपनी अपनी वर्किंग में हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे सेलिंग प्राइस ने क्या 4% इंक्रीज करेगी, तो आप लाइक इस तरह से वर्किंग करेंगे, लाइक बनाएंगे इन्फ्लेशन फैक्टर, सबसे पहले इन्फ्लेशन फैक्टर बना देंगे, कितना इंक्रीज करेगी 4% इंक्रीज करेगी, तो पहले साल में फैक्टर क्या होगा 1.04, दूसरे साल का फैक्टर क्या होगा 1.04 द पावर इज 2, देन 1.04 द पावर इज 3, 1.04 द पावर इज 4, लाइक दिस, इस तरह से 4% हर साल इंक्रीज करेगी, तो 1.04 द पावर इज 1, 1.04 द पावर इज 2, 1.04 द पावर इज 3, 1.04 द पावर इज 4, this is what, this is inflation factor। ये क्या हमारे पास inflation factor है। अब selling price हमें सवाल में दी हुई, selling price कितनी है, ये सवाल में selling price एक पड़ेगी कितनी 80 है, 80 रुपीज का एक यूनिट सेल होता है, तो हम इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके इन्फ्लेटेड प्राइस निकाल लेंगे। अब एक यूनिट की प्राइस ये है, सेल यूनिट्स भी आपको सवाल में दी है, बताया कि ईयर वन में आपके 10,000 यूनिट सेल होंगे, 10,000 ये थाउजेंड में सारी वर्किंग ना, हम यहाँ पे यहाँ 25,000 सेल होंगे, 35,000 सेल होंगे, 65,000 सेल होंगे, तो आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप सेल निकालेंगे, निकालेंगे ना सेल क्या आती है ईयर वन में, क्या आ रही, तो ईयर वन में आ रही 832, ये सेल आ गई बेटा ईयर टू में, हर एक साल के ऊपर सेल आ रही है, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल यूनिट्स भी गिवन है, इन्फ्लेशन फैक्टर भी गिवन है, देन मल्टीप्लाई किया क्या आ रहा है 2163 आ गया, देन देन थ्री वन, इसको 3150 कर लेता हूं मैं, देन देन 6083 like this, done। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेल, ये सेल ये वन में पुट कर दूंगा, ये टू में, ये थ्री में, ये इस तरह से हम सेल जाके पुट कर देंगे, ऐसे ही हम लेबर कॉस्ट करेंगे, ऐसे ही हम ओवरहेड्स, ऐसे बाकी कंपोनेंट्स भी करेंगे, अंडरस्टैंड, यानी इन्फ्लेशन दी होगी तो हम कैसे उसके इनकॉर्पोरेट करेंगे,
डन, यानी ये जो सेल है ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की बेटा, और ये जाके हम सवाल में यहाँ पे ये जो सेल लिखी है यहाँ पे इस जगह पर हमें जाके ये पुट कर देंगे वैल्यूज वर्किंग में अगर इन्फ्लेशन कही हो तो। कुछ हमारी अजम्पशंस हैं, क्या अजम्पशंस है इसमें देखिएगा जरा गौर से। इन्वेस्टमेंट जितना भी आप करते हैं प्लांट के अंदर मशीनरी के अंदर, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो इन्फ्लेट हो जाती है, वो इंक्रीज उसकी प्राइस हो सकती है। वर्किंग कैपिटल कभी इन्फ्लेट नहीं होता, वर्किंग कैपिटल में जितने पैसे डालते हैं उतने निकलते हैं आप, यानी ये हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में वर्किंग में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो ये जीरो में हमने 20 वर्किंग में इन्वेस्ट कर दिया, जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो वर्किंग वाला पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये इन्फ्लेट नहीं होता, इनकी इन्फ्लेशन नहीं होती, सेल की, मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल सब की दी होती है हमें इन्फ्लेशन, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते जा रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अब सवाल पे आता हूं, अब देखिए ये सवाल, इसमें इन्फ्लेशन ए पार्ट में इन्फ्लेशन नहीं है, बी में इन्फ्लेशन है। क्या कहा जा रहा है सवाल में, कहते कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर बी पार्ट में कहते इन्फ्लेशन थी उसको लेना आपने। चले सवाल पढ़ता हूं मैं। ए एफ डी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसीडरिंग ए प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन द मशीनरी दैट विल यूज टू इंक्रीज इट्स आउटपुट इन सेल्स बाय 10,000 इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इन लाइफ कितनी है, 5 साल मशीनरी की लाइफ है, हर साल यूनिट्स कितने बनाएगी, 10,000 यूनिट्स बनेंगे ना। The full purchase cost of machinery would be the 225,000. This does the price includes the payment of the 20,000 made 12 months ago to the machinery supplier for the non-refundable down payment for the purchase of the machinery. 20,000 हम advance में pay कर चुके एक साल पहले, तो वो past cost है, sunk cost है। अभी हम ये मशीनरी लें या ना लें वो cost non-refundable है, इसलिए इसको हम past cost irrelevant cost बोलेंगे, वो यहाँ नहीं आएगी। यानी 225,000 में से वो 20,000 हम माइनस कर लेंगे, रेमेनिंग को यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं, तो 225,000 माइनस 20 कर लेंगे तो 205,000 को यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे होंगे। द कंपनी करंटली मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, जी कंपनी के अगर एक ही प्रोडक्ट बनाती सेल करती है। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, की सेलिंग प्राइस कितनी, 15 रुपए है। एट प्रेजेंट डे प्राइसेज ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट आर, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी इसकी, 3.75 फॉर मटेरियल है हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट, और लेबर की कॉस्ट कितनी 2.750 है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं, वो आपको बताया हुआ कि 37,500, ये इंक्रीमेंटल है ईच ईयर है। एट करंट प्राइस लेवल, करंट प्राइस लेवल क्या है कि इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, ये वैल्यूज नहीं है। अज्यूम दैट ऑल कैशेस ओवर एट द एंड ऑफ द ईयर टू व्हिच दे आर लेट, हमेशा ये साल के एंड भी हम अज्यूम करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एनपीवी निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे एनपीवी। हाँ जी, एक तो ये है कि मैं इसकी, क्योंकि सिंपल सवाल है, मैं मटेरियल की लेबर की अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर लूँ या कंबाइन कर लूँ तो एक ही दफा में भी हो सकता है। यानी सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई मेरे पास, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, हर साल वही सेलिंग प्राइस रहेगी, सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं होगी। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, हाँ जी 15 रुपये सेलिंग प्राइस है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 3.75, और फिर लेबर कॉस्ट कितनी, 2.5। सो वी विल टेक ये देखिए जरा, कंट्रीब्यूशन हर साल की एक पर यूनिट निकाल लेते हैं। ये मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, आसान आपको समझ आ जाएगा कि यूनिट्स दिए में सेलिंग प्राइस दी भी मल्टीप्लाई करके आप सेल निकालें, यूनिट्स दिए में मटेरियल कॉस्ट दी भी मल्टीप्लाई करके आप मटेरियल कॉस्ट निकालें, लेकिन ये सेम है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो एक ही दफा करके वर्किंग भी आप कर सकते हैं। तो कैसे आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस लें माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या आती है मेरे पास, देखें जरा सेलिंग प्राइस कितनी मेरे पास, 15 है, 3.75 है, 15 माइनस 3.75 माइनस, तो मेरे पर लेबर 2.50 आ गया, 2.50 करें क्या आता वैल्यू, इसमें वैल्यू माइनस करें क्या आती वैल्यू, ये क्या है, दिस इज जस्ट लाइक द कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास। हर साल एक यूनिट पे मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, ये कंट्रीब्यूशन आ रही होगी। हर साल में कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ये 1 में 2 में 3 में 4 में, हर साल कितने यूनिट सेल हो, 10,000 सेल हो रही है, तो 10,000 हर साल यूनिट सेल हो, 10,000 इसको मल्टीप्लाई कर लिया,
तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगी 875,000. दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लें, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें आप. अच्छा जी, ये हमारे पास ये आगे कंट्रीब्यूशन एक साल की. अब हम यहाँ पे सवाल सॉल्व कर लेते हैं. चले ये कितनी लाइफ है इसकी, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 5 साल लाइफ है इस प्रोजेक्ट की. हर साल कितना है, 5 साल के लिए. चले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जनाब, कितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में, सवाल में देखिए हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है. हमने 225,000 की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें से 20,000 जो नॉन रिफंडेबल था एडवांस में पे कर चुके, वो इररिलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट बन चुकी है. तो 225,000 ले, 225,000 ले, उसमें से वो 20,000 जो हमने शुरू में डाउन पेमेंट पे की वो माइनस कर दो. 225 में से वो 20 माइनस किए तो बाकी के बजाय 205,000. तो 205,000 ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई. स्क्रैप कितना है, स्क्रैप इसका कोई दिया हुआ मैं यहाँ पे, स्क्रैप कोई नहीं. लेकिन जी हर साल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी मेरे पास, इन्वेस्टमेंट किया कोई स्क्रैप है नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं दिया हुआ. हम सेल करेंगे या कंट्रीब्यूशन हर साल कितनी आएगी कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से. ईयर वन में कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, 875,000. एनओटी से भी हो सकता था ये 875,000 ये आ गया. हर साल एक फिक्स कॉस्ट भी पे करो मैं यहाँ पे, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट वो कितनी हमारे पास 37,500 लाइक. सो वी विल टेक इंक्रीमेंटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 37,500 हम हर साल क्या करें पे करें. वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट 375,000 माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे जरा. नेट कैश आ जाएंगे मेरे पास, हाउ मच वी हैव द नेट कैश, कितने आएंगे नेट कैश मेरे पास. तो नेट कैश हमारे पास आएंगे यहाँ पे, दैट इज 205,000. ये माइनस करेंगे 87, ये हमारे पास 50,000 आ जाएगा यहाँ पे. हर साल 50,000 आ रहा है, सेम आ रहा है. एनुअली से भी हो सकता था, लेकिन 50,000 हर साल कैश फ्लो आ रहा है. डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाए यहाँ पे, क्या था 10% फैक्टर था, तो 10.0 टेबल से देखेंगे आप 9090.826.751 0.683 0.621 मल्टीप्लाई कर लें आप इसको. डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएंगे आपके पास जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन आपके पास एनटीवी आ जाएगी. क्योंकि हो जाएगा ये सवाल, इस पूरे पार्ट को देखिए जरा, मुझे मसला बताएं क्या मसला है.
इज इट डन, हो जाएगा यार, ये एनपीवी आ जाएगी, यहां तक कोई मसला भी देखें, सब बी पार्ट देखें हम, चलें आगे। सुबान हसन, ठीक हो गया, आगे चलें, शुड वी कंटिन्यू? ठीक होगी, नेगेटिव एनपीवी आ गया, आगे चलते हैं जनाब। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन भी दी जाती है तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर इन्फ्लेशन भी दी हुई सवाल के अंदर, तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, नाउ दिस इज अ मेन पॉइंट। बी पार्ट पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, जरा कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द 10%, टेकिंग द फॉलिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज इन द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट इन कंसीडरेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सेलिंग प्राइस विल राइज बाय 7% इन ईच ईयर। सेलिंग प्राइस हर साल कितनी बढ़ेगी, 7%। मटेरियल कॉस्ट विल राइज 5%, लेबर कॉस्ट विल राइज 6%, एंड ओवरहेड्स जो है हमारे पास 2% ईच इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं वर्किंग करेंगे हम, नहीं। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये एक मेन सवाल है हमारे पास। या मैं नई शीट ले रहा हूं, या दिस इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो द इयर्स, 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5, ये 5 साल है मेरे पास, 5 इयर्स प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ, 5 इयर्स प्रोजेक्ट, दिस इज अ 5 ईयर्स प्रोजेक्ट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की हमने इस प्रोजेक्ट में, 205,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की है, स्क्रैप कोई स्क्रैप नहीं हमारे पास, फाइन। वर्किंग कैपिटल वो भी कोई नहीं, सेल वर्किंग वन पे मैं जा रहा हूँ, सेल की, सेल वर्किंग वन, सेल पे मैं जा रहा हूँ आप, नई शीट ले लेते हैं एक और। तो यहां मैंशन करूंगा मैं ईयर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ जी, इन्फ्लेशन किस स्टेट से बढ़ रही थी, देखिए सेलिंग प्राइस में, इन्फ्लेशन का रेट क्या था सेलिंग प्राइस के अंदर, उसे मेंशन किया था यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज 7% इन्फ्लेशन, 7%, फाइन, तो 7% है तो ठीक है, इन्फ्लेशन फैक्टर, सेल की मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ, दैट इज वर्किंग वन, इन्फ्लेशन फैक्टर 7% है, तो 1.07 द पार इज 1, पार इज 2 आ जाएगा यहाँ, पार पहले 1 है, 1.07 द पार इज 3, 1.07 द पार इज 4, 1.07 द पार इज 5, ये इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाएगा, ये इन्फ्लेशन का फैक्टर है हमारे पास, इन्फ्लेशन का फैक्टर लेंगे यहाँ पे हम, सेलिंग प्राइस कितनी पार यूनिट है, 15 रुपीज, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज है, 15 रुपीज पर यूनिट, 15, 15, 15, 15, दिस इज, हर साल के सेल यूनिट्स कितने हैं, सेल यूनिट्स वो कितने हैं, 10,000 है, 1,000 नहीं लिख रहा मैं, 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज एंड में 1,000 लगा लेंगे, चलें यूँ कर लीजिएगा या लिख ही लें यार आप 20 के साथ ही, चलें 1,000 करें यार मल्टीप्लाई करना, ईयर वन में कितनी सेल आती है, ईयर 2 की, 3 की, 4 की, मुझे जल्दी बताएं, 5 सालों की आपने सेल निकालनी, फिर हम ये वैल्यूज वहां पुट करेंगे, इन्फ्लेशन का फैक्टर गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, और सेल यूनिट्स 10,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1.07 तो क्या है, 16,
05160500. देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें 1.07 द पावर इज 2 मल्टीपल 15 मल्टीपल 10000 171735 देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें चेक करें 183756 then next multiple green 196619 210382 like this. हमारे पास सेल आ गई, तो हमारे पास क्या आ गई, सेल आ गई, ठीक हो गई ना, अब ये सेल आ गई हमारे पास 160500 यहां लिख देता हूं 160500 ये वैसे थाउजेंड में हम करते हैं इसलिए दूसरी वैल्यू कितनी हमारे पास 171735 196619 और 210 जगह कहाँ पर जाती है 382 आ गया 2 है ये 382 तो हमारे पास क्या आ गई सेल आ गई ये सेल के बाद क्या मटेरियल कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट की इन्फ्लेशन कितनी है 5% इन्फ्लेशन है तो मटेरियल कॉस्ट की इन्फ्लेशन कितनी है 5% इन्फ्लेशन है तो अब उसकी भी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे हम वर्किंग टू कर लेते हैं आप जल्दी से जरा कर लेंगे अब इन्फ्लेशन फैक्टर में इसको लिखना सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट का 5% तो 1.05 है 1.05 द पावर इज 2 1.05 The power is 3, 1.05 the power is 4, 1.05 the power is 5, like this. Material cost per unit kitni hai? Ye check karenge zara. Material cost per unit. Haan ji beta. मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास 3.75 तो 3.75 पर यूनिट है अब क्या करते हैं हम इसको वैसे ही करना पड़ेगा यार इसको भी ये मेटेरियल कॉस्ट है और सेल यूनिट्स देख लेंगे यार और ये इस सवाल में सेम है डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते थे 10,000 के बजाय वो हर साल के डिफरेंट डिफरेंट हमें यूनिट्स देते तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है करें मल्टीप्लाई क्या वैल्यू आती है 1 कंप्लीट तो कराऊ ना मैं आपको जल्दी 393.75 देन 413 44 कर लेता हूँ 41344 देन
434111 कर लेते हैं, चलें देन फोर फाइव फाइव एट वन देन फोर सेवन एट सिक्स वन लेंगे। इसमें जल्दी से पुट कर लेना, मटेरियल कॉस्ट वर्किंग टू So 393.75 था, 41343 था, then 43411 था, then 45581 था, then 47861 था। ठीक हो गया ना, मटेरियल कॉस्ट भी आ गई, इसी तरह से हम लेबर कॉस्ट लेंगे। वर्किंग थ्री जल्दी से देखिए, लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी इन्फ्लेशन, लेबर कॉस्ट इंक्रीज 6%, नहीं आज 6% बता, वर्किंग थ्री लेबर कॉस्ट इन्फ्लेशन फैक्टर 6% है, 1.06, 1.06 the power is 2, 1.06 the power is 3, 1.06 the power is 4, and 1.06 the power is 5. ठीक होगी बात बेटा, ये इन्फ्लेशन के फैक्टर्स आ गए। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है कितनी, दैट इज 2.5, नहीं जी 2.5 को आपने यहाँ पुट कर लेना है, 2.5 पर यूनिट है हमारे पास। यूनिट्स कितने हमारे पास, 10,000 है, 10,000 हमारे पास यूनिट्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ले जी करें मल्टीप्लाई, सेल यूनिट्स ईयर वन में, टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, लेबर कॉस्ट जल्दी निकालें। हरी अब स्पीड लेंगे बेटा, ईयर वन में कितना है, 265,000, ये टू में 28090, देन टू नाइन सेवन सेवन फाइव देन 29775 then 31561 then 33455 करना चाहिए। नहीं ये वैल्यूज हम जहाँ के वहाँ जाके माइनस कर देंगे, तो 26500 पहले माइनस करूँगा यहाँ से मैं, दैट इज 26500 दिस इज देन 28090 था ये, देन 29775 था ये, 31561 था ये, 33455 कर लो। चलो लें जी ये लेबर कॉस्ट भी आ गई, अब इंक्रीमेंटल जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट वो माइनस करनी, वर्किंग फोर। अब वो हमें यूनिट्स में नहीं दिया, वो हमें इन टोटल दिया हुआ, वो क्या बताया हुआ कि दैट विल इंक्रीज 2% पर एनम, और बताया हुआ कि हमें हमारे पास है कितनी 37,500 है लें जरा, तो 37,500 है वो, 37,500 तो उसकी वर्किंग करेंगे, वर्किंग फोर
तो हमारे पास फैक्टर कितना, उसका 2% है, इन्फ्लेशन फैक्टर सबसे पहले बना लेंगे, 2% है तो 1.02, 1.02 द पावर इज 2, 1.02 द पावर इज 3, 1.02 द पावर इज 4 एंड 1.02 द पावर इज 5. अब यहां मैं टोटल लिखूंगा 37,500. तो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 37,500 है, 37,500 करें जी मल्टीप्लाई सबको. थ्री ए टू फाइव जीरो देन then 39015 then 39795 then 41403 ले जी, ये वैल्यू है हमारे पास. अब इसको मैं यूज करें इंक्रीमेंटल 38250 यहां से माइनस करते हैं 38250 देन 39015 देन बेटा 39795 then 40591 then 41403 like this. नहीं आई थिंक काफी चीजें हो गई हैं, अभी समझ आ गई आपको बात. अब ये इन्वेस्टमेंट है, अब क्या करेंगे, अब नेट ऑफ कर लेंगे. नेट कैश फ्लोज एक ये है, 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको आप नेट ऑफ कर लेंगे, नेट वैल्यू निकालेंगे, नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे आपके पास. अब ये नेट कैश फ्लोज जो आपके पास आएंगे बेटा, दिस इज नेट कैश फ्लोज आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे. एक तो ये आपके पास क्या आएगा, नेट कैश फ्लोज ये आ जाएंगे. यहां लगाएंगे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, देन हमारे पास एनपीवी आ जाएंगे. क्यों जी, ये बात समझ आती है सबको, कोई मसला इसमें यार, हो जाएगा ये सवाल, किसी चीज में कोई मसला हो जाएगा बताएं मुझे. नहीं जी, ये सवाल तो हो जाएगा. अब डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है, ये बता देंगे यहां पे. ये जो क्वेश्चन है 16.4, इसको पढ़ना आपने. अब ये पार्ट ए पर एक रहता हूं, बी भी हो जाएगा आपसे, पहले ये करते हैं 16.4 पढ़ेंगे जरा. बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग.
क्वेश्चन 16 पर फोर पार्ट ए हो जाएगा यार, मुझे बताएं पहले, चले करके दिखाएं मुझे, चले अगर हो जाएगा तो मुझे करके दिखाएं जल्दी जरा। मुझे ये बताएं इन सब के एनपीवी क्या आएगी। चलो ट्राई करें, मैं डिस्कस कर दूंगा मसला तो मैं करा देता हूं। पहले आपने क्या करना है, आपने देखें 8 साल की एनुटी दी हुई, पहले 4 साल की एनुटी दी हुई, 4 साल की, 4 साल की एनुटी पे आपने 4 साल का फैक्टर लगा देना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर 8 साल की दी हुई, 8 सालों की एनुटी में से आपने 4 साल की एनुटी माइनस कर लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 लाख के साथ। फिर 10 साल की एनुटी दी हुई, 10 सालों में से आपने 8 साल की माइनस कर लेनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। ट्राई करें, मैं आपसे बताता हूँ, आप जिसको मसला मैं करवा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। बाकी लोग भाई, हो जाएगा ये सवाल? पहले हमने 4 साल की एनुटी लेनी है, ठीक है, 8% पे 4 साल के एनुटी फैक्टर लेंगे, तो 4 साल के फैक्टर को हमने 5 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने 8 साल के एनुटी फैक्टर लेना है, 8 साल के एनुटी फैक्टर में से 4 साल का एनुटी फैक्टर हमने माइनस कर देना है, क्यों, अगले 4 सालों के लिए 8 साल का एनुटी फैक्टर लेंगे, उसमें से 4 साल का एनुटी फैक्टर हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो हमारे पास आएगा एनडी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 लाख, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। फिर 10 साल का एनडी फैक्टर लेंगे और 8 साल का एनडी फैक्टर लेंगे, 10 साल के एनडी फैक्टर में से वो 8 साल का एनडी फैक्टर हम माइनस कर देंगे, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख के साथ, और जो परपेचुटी की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1 लाख को डिवाइड करूंगा मैं 8% के साथ, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 10 पे आएगी, क्योंकि ये 1100 ऑनवर्ड सेम है। हाँ भी सुबान, हो जाएगा ये सवाल? इसका पार्ट बी देखें यार, पार्ट बी मुझे जल्दी से करके दिखाते हैं ना आप। इन्वेस्टमेंट दी भी है, जी में आपको रेवेन्यू दिया हुआ, रनिंग कॉस्ट, सिर्फ आपने इन्फ्लेशन लगानी है, यानी इक्विपमेंट की इन्फ्लेशन उस पर लगानी है आपने, रेवेन्यू भी इन्फ्लेशन लगानी है, हर एक इन्फ्लेशन खाली लगानी है आपने,
पार्ट बी सॉल्व कर दिखाया मुझे जल्दी स्पीड ले, पार्ट बी जल्दी बड़ा सॉल्व कर दिखाएंगे आप, जल्दी स्पीड लेंगे। मुझे पहले आप ये बताएं, डिस्पोजल आपने ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने लिख दी 9 लाख की, ये सक्रैप भी 2 लाख है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कितनी वैल्यू यूज करेंगे? उसने लिखा है इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी 4% पर ईयर, और ये 34 साल जाके सक्रैप वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे जल्दी बताएंगे सब। टू 34 वो कैसे भाई, क्योंकि बाकी सब लोग बताएंगे 234 ही आना है। सेल रेवेन्यू आ रहा हमारे पास 8 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, बताएं इसको कैसे करेंगे? पहले साल का रेवेन्यू क्या आएगा हमारे पास, क्या हम यूज करेंगे जल्दी बताएं बेटा, पहले साल का रेवेन्यू क्या यूज करेंगे हम? ठीक है, ये तो आप बता रहे मुझे 4 साल के बाद, सारे ने बिल्कुल ठीक वर्किंग करके दिया, ऐसे ही करना आपने, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जल्दी आप मुझे स्पीड लगाएं, ये बड़ा आसान सवाल है, एनपीवी निकाल के दिखा दें। हमजा सलीम आप भी ट्राई करो पीछे,
एमपीवी क्या आई है? बाकी लोग सारा देखो भाई, आपके एनबीबी क्या आ रही है? हाँ जी, बाकी लोग भी ज्ञान भी आई है? ये 3 में ऐसे ही आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, ऐसे ही 1.04 लेंगे, इसकी पावर 3 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई 6 लाख से करेंगे, ये करंट प्राइस टर्म में दी है मेरी, तो इसलिए हम इन्फ्लेशन का फैक्टर बना लेंगे। हाँ जी, क्या एनबीबी आ रही है?
And is it done? हो जाएगा यार ये. अच्छा एक और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपके साथ. हाँ जी साहब, जरा गौर सर, मैं एक नए पेज पे जा रहा हूँ. कॉन्सेप्ट आपके साथ एक छोटा सा और डिस्कस कर दूं. नॉमिनल डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है और रियल क्या होता है. देखिए सब जरा गौर से देखें, जरा छोटा सा फैक्टर. ये जो डिस्काउंट इफेक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या नॉमिनल डिस्काउंट इफेक्ट होते हैं. ऐसे बोलते हैं नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसे एक और नाम भी देते हैं, इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसका ये भी नाम है. इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है. इसे एक और नाम भी देते हैं, मनी रेट ऑफ रिटर्न. ये सब क्या है, डिस्काउंट फैक्टर के नाम है, मनी रेट ऑफ रिटर्न. मनी रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये सब डिस्काउंट फैक्टर के क्या है, नाम है. ऑल दीज आर द डिस्काउंट फैक्टर नेम्स. अच्छा जी, ये सब डिस्काउंट फैक्टर के नाम है जनाब. अच्छा जी, क्या करेंगे अब हम. अच्छा, नॉमिनल फैक्टर्स को मैं क्या कहता हूं, हम इसको यू लिखते हैं नॉर्मली, वी कैन से दैट वन प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू वन. इसमें दो चीजें होती हैं, वन प्लस रियल रेट, हकीकत में जो हम कमा रहे होते हैं, इन टू वन प्लस जनरल इन्फ्लेशन. जनरल इन्फ्लेशन वो जो पहले मैंने बात की, वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन थी बेटा. अगर जनरली मैं बात करूँ, पाकिस्तान में चीज़ों की प्राइसेस 5% बढ़ रही हैं. अब 5% चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल भी है वो 5% बढ़ रहा है, लेबर भी 5% बढ़ रही है, ओवरहेड भी 5% बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी 5% बढ़ रही है, ईच एंड एवरीथिंग. तो उसको डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ले जाते हैं यहाँ पे. तो 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इनटू 1 प्लस जनरल इन्फ्लेशन. यानी यू कह सकते हैं हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर होता है उसे बोलते हैं हम नॉमिनल रेट. उसे क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल रेट. उस नॉमिनल रेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हम हकीकत में जो कमा रहे होते हैं रियल रेट, और एक उसमें जनरल इन्फ्लेशन होती है. जनरल इन्फ्लेशन, ये दो चीजें उसमें शामिल होती हैं. अगर एग्जाम में हमें नॉमिनल कैलकुलस दिए, जितने भी हम कैलकुलस हम यूज कर रहे होते हैं उसमें हम इन्फ्लेशन इंक्लूड करते हैं, जैसे अभी हमने सवाल किया, हम उसमें इन्फ्लेशन शामिल कर रहे थे. नॉमिनल कैश फ्लोज को हम नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करते हैं. लेकिन अगर सवाल में हमें रियल कैश फ्लोज दिए हो, रियल, तो रियल कैश फ्लोज जो होते हैं वो रियल रेट से डिस्काउंट हो रहे होते हैं. तो अगर रियल रेट नहीं दिया हो तो रियल रेट निकाल लेते हैं, हमें ये इक्वेशन का डेटा दिया होगा. सपोज मैं आपसे बेटा कह रहा हूं नॉमिनल रेट कितना है. चले मैं आपसे कहता हूँ नॉमिनल रेट इज द डिस्काउंट फैक्टर, ये गिवन ही नहीं है, आपने फाइंड करना है. और मैं आपसे कहता हूँ कि रियल रेट जो है वो 5% है, और मैं आपसे कहता हूँ कि जनरल इन्फ्लेशन जो है वो आपकी वो 7% है. अब निकालें हजार नॉमिनल रेट निकाल के ध्यान से मुझे इक्वेशन ऊपर वाले यूज करनी है आपने, ऊपर जो मैंने आपको इक्वेशन दी उस इक्वेशन से आपने मुझे निकाल के दिखाना है. जी नॉमिनल रेट कितना भी, यानी डिस्काउंट फैक्टर अगर नहीं दिया हो तो ये डाटा दिया होगा आपको.
12% अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही है, 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्या ख्याल है? कितना है 12 पॉइंट, कितना है? So we can say that one plus nominal rate is equal to one plus real rate into one plus general inflation. Real rate कितना है मेरे पास 5% है, 5% inflation कितनी मेरे पास 7% है, 7% minus 1 कर लें is equal to nominal rate, क्या आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट 12 आ रहा है, ऐसा ये आ रहा होगा, इनटू 100 भी तो करना ना, वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई 1.07 माइनस वन, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करने परसेंटेज में आंसर आता है. ठीक हो गए ना आप यहां तक, ऐसी है इसी तरह से अगर आपको रियल कैश हो दिए में और फिर उसके लिए हमें रियल रेट चाहिए तो नॉमिनल रेट दिया होगा, इक्वेशन को घुमा लेंगे हम उल्टा, इक्वेशन को उल्टा घुमा के हम चेक कर लेंगे, उल्टा वर्किंग कर लेंगे आप भी हम. ठीक हो गया? नहीं जी. अब आते जरा हम क्वेश्चन बैंक में 16.5 देखे ना सवाल, ये हो जाएगा कि नहीं? 16.5 दो मिनट लेंगे.
16.5 कैसे सवाल है जनाब, हो जाएगा ये सवाल सिंपल? आपके सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी भी 4,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दी भी आपको, सेल यूनिट्स भी दी हुई, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी भी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी, सेल वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेल आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट दी भी आपको 4,40,000 की, स्क्रैप है नहीं, डिस्काउंट इफेक्ट लगाएंगे एनपीवी निकल आएगी। बताएं भी 16.5 कैसा सवाल है, हो जाएगा ना? ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी 2 मिनट लगाऊंगा मुझे, रिप्लाई करें मुझे जल्दी। डन। अच्छा ये सवाल भी हो जाएगा, इसका मतलब है छुट्टी नहीं, मुझे खत्म करवाना है। 16.5 हो जाएगा, 16.6 देखें याद रहे, इसको रीड आउट करें, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आपने इन्फ्लेशन लगानी, बाकी कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये इन्फ्लेट होंगे, इन्फ्लेशन से बढ़ेंगे, बाकी सब भी वैसे के वैसे ही है। 16.6 सवाल देखेंगे जल्दी, रीड आउट करें, स्टैमिना बनाए यार, इतना जो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया था, अब आपका स्टैमिना बन जाना चाहिए। दो चार दिन ही रह गए यार, अब आपने करना कि सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ाना इन्फ्लेशन से, आपने सिर्फ आपको बताया हुआ नीचे कि वेरिएबल कॉस्ट होगा 3% बढ़ेगी, जबकि फिक्स कॉस्ट 4% बढ़ेगी। एक और बात यहाँ खूबसूरती है कि टैक्स ऑन द प्रॉफिट भी है, जो मैंने आपको भी करवाया था ना, ये वही बात इसमें आ गई है। टैक्स ऑन द प्रॉफिट है, यानी आप सेल लेंगे, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, सेल में से तीन ये दोनों कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट पे हम टैक्स लगा देंगे, टैक्स दिया हुआ आपको यहाँ पे 30%, और ये लिखा भी हुआ टैक्स इज पेबल इन द सेम ईयर, उसी साल ये माइनस कर देंगे टैक्स के अमाउंट को, अगले साल नहीं। अगले लिखा हुआ टैक्स विल बी पेड इन द एरियर्स, इसका मतलब एक साल बाद हम पे करेंगे, अगले साल के अमाउंट में से माइनस करते हैं। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट प्राइस होते हैं ये सारा हम कैश फ्लो बेस्ड करते हैं, कैश फ्लो की बेस पे होता है।
कल मैंने आपको थोड़ा हल्का सा वो एनपीवी और आईआरआर के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर हो चुका है। सवाल हम कर रहे हैं 16.6, सवाल पढ़ लिया सबने भी? सवाल में कोई मसला भी? सवाल डाल हो जाएगा यार, तू बात पूछ रही इसमें से आपने मुझसे। क्यों भाई? चलिए अब आपने करना क्या है? ये मेरे पास ये क्या गन लगा हुआ इस पर यार? आपने क्या करना है बेटा, कल मैं आपको हैंडबुक से करवा दूंगा सवाल। अभी आपने क्या करना है आज, ये 16.7 सवाल देख लीजिएगा, एक टिक कर लें इसको भी, 16.7, ये 16.6 ये अगर आपने नहीं अभी किया इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 16.5 करिएगा, 16.4 कीजिएगा, 16.3 कीजिएगा, 16.2 एनुटी सिंपल सीधा सीधा सवाल हो जाएगा ये, और 16.1 भी सीधा सीधा सवाल ही, इसमें डाटा नहीं दिया, मतलब हर चीज़ आपको दी हुई है, आपने मारना है इसको। पहले ये 5-6 सवाल देख लीजिएगा, ठीक है, ये 5-6 सवाल आपने देख लेने अच्छी तरह से, इसकी सही तरह से प्रैक्टिस करें। कल हैंडबुक में देखूंगा कोई अच्छा सवाल मिलता है तो एक दो उसमें तो वो करवा दूंगा आपको। क्या ख्याल? क्यों जी, इज इट डन? बल्कि ऐसा करें मुझे कुछ करके दिखाएं अभी आप। अस्सलामुअलैकुम, अभी मैं ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ। अब तो इसको भेज दें ऊपर, ऑनलाइन रूम है ना, भेज दें, ठीक है, भेज दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16.2 मुझे करके दिखाएं, 16.2 जल्दी रीड आउट करें, मुझे अभी अभी सोल्यूशन चाहिए, बहुत छोटा सवाल है ये, 3 मिनट में मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। 16.2 जल्दी हरी अब, एक आपने एनओडी लगानी है, दूसरे आपको बताया हुआ दूसरे में एनओडी है, तीसरे में परपेचुटी है, जल्दी मुझे तीनों आंसर चाहिए, हरी अब, डू इट अर्ली।
आसान अभी की लड़का आ रहा होगा उसको अंदर। पहले का आंसर क्या है? आंसर ए का, ए का आंसर नहीं बताया आपने मुझे। ए का आंसर कितना आया भाई? 75,000 है। एनडी लगानी खाली आपने यार। आंसर बताएं भाई।
अभी बाकी सबका भी यही आंसर आ रहा है। पॉजिटिव एनपीवी आ रही है 75,000 को एनुअल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना आपने, 325,000 की इन्वेस्टमेंट है माइनस किए तो नेट आंसर आ जाएगा। डन, बी का आंसर, बी पार्ट का आंसर जल्दी बताएं मुझे। पहले साल कैश फ्लो डिफरेंट है, बाकी अगले 5 साल सेम है, ये बताया था मैंने आपको कैसे करना है। जल्दी दूसरे का आंसर, हाँ दूसरे में नेगेटिव एनपीवी आ रही, सुबान नहीं कर रहा यार, सुबान ठीक हो गया 95975 डन। तीसरे को देखेंगे अब, परपेचुटी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, मैं फिर बता दूं यार, ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इसमें से 10, 12 या 15 नंबर का सवाल लगना है और वो डिक्टो आपने मारना है, वो जानना चाहिए कि ये पक्का आपका जो सवाल है ना वो ठीक होना चाहिए। मतलब ये वो एरियाज है मतलब जिसमें से आपको पता है यार ये नहीं, ऐसे एनपीवी के एक इस तरह का सवाल लगना ही लगना है और आपने उसको करके पास हो जाना, मतलब इसलिए इसको आपने ग्रिप करना है। अच्छा इसको बुक पे भी अगर मैं आ जाऊं, बुक में भी यार आपने देख लेना उसमें से ना, ये स्टडी टेक्स्ट मैंने खोली आपके सामने बेटा, ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये 7 है आपके सामने, उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल्स हैं और छोटी ये अब इन्फ्लेशन वाला भी हमने कर लिया है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या, रियल रेट क्या, नॉमिनल रेट मैंने बता दिया आपको, टर्मिनोलॉजीज का मतलब बता दिया आपको, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया था आपको, 1+money rate = 1+real rate और इन्फ्लेशन, ये एग्जाम्पल आपने देख लेनी है, सिंपल वही है। उसके बाद कैश फ्लो, हम हमेशा इसमें कैश फ्लो यूज करते हैं, इन्फ्लेशन को इन्फ्लेट करते हैं, ये छोटी सी एग्जाम्पल इसमें चल रही है, एग्जाम्पल चल रही है, ये एग्जाम्पल आपने कर ली है, आसान सवाल है ये, हो जाएगा, इन्फ्लेशन इस पे दी हुई है। ये एग्जाम्पल सामने आपके, ये आपने देख लेनी है, ये पूरी एग्जाम्पल सॉल्व हुई भी है, ये एग्जाम्पल यहाँ से ऑनवर्ड पूरा आपने कर लेना यार, इसको जैसे हमने अभी सवाल किए ना वैसे ही है कि सेल्स 5% बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट 8% बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट 8% बढ़ रही है, डिस्पोजल 6% बढ़ रही है, आपने ये सॉल्व हुई भी पूरी एग्जाम्पल इसको देख लेना आपने, ठीक है। उसके बाद 8.3 में डिस्काउंट कैश फ्लो रियल रेट, ये भी इसको भी आपने देख लेना है, उसके बाद आगे सॉल्यूशन, ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं
जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग आपने सारी अच्छी तरह से देख लेनी है। कल मैं क्वेश्चन बैंक उस पर मूव करूंगा, क्वेश्चन बैंक से भी हमने देख लिए सवाल जो अच्छे अच्छे थे, कल मैं उसमें हैंडबुक में यानी पास पेपर्स पे मूव करूंगा, हैंडबुक में देखूंगा पास पेपर्स में क्या है उसमें मूव करूंगा। ठीक है जनाब, डन, इज इट डन? थोड़ा इसलिए आगे जा रहा हूँ, 8 बजे मैं लेट आया था। हाँ, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा सुबान बेटा, आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट कि मुझे नेक्स्ट वीक दिया जाए। अगर मैनेजमेंट कहेगी ठीक है आप नेक्स्ट वीक ले लें तो फिर मैं आपको उसमें कर दूंगा प्लान, क्योंकि मैनेजमेंट पहले कह रही है यार आप 2-2 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो इफ दे विल अलाउ कि यार ठीक है मैं उसमें प्रॉब्लम सेशन रख लूँ जिसमें आपको पास पेपर वगैरह या सवाल वगैरह डिस्कस करवा दूँ, तो फिर मैं उसमें करवा दूंगा आपको। ठीक है, अभी ये चैप्टर डन हो गया जनाब, इसमें ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। FAR 2 का भी 5 अगस्त तक चलना है, अच्छा ठीक है, अगर वो 5 अगस्त तक चलता है तो आई विल ट्राई कि मैं भी इसको आगे ले जाऊं, मैं पूछ लूंगा उनसे इफ दे विल अलाउ तो ठीक है मैं 5 अगस्त तक ले जाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है जनाब, डन। लेकिन ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है, इसकी एक एक एग्जाम्पल करनी है और क्वेश्चन बैंक से सवाल आपने पहले 4-5 सवाल 6 सवाल पढ़ लेने अच्छी तरह से। कल मैं पास पेपर्स पे जाऊंगा जनाब। आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, आज के लिए काफी बेटा, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल इंशाल्लाह 8 बजे एग्जैक्टली वी विल कंटिन्यू 8 o'clock। ठीक है, गुड गुड, इंशाल्लाह वेरी गुड।